हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, डीआरडीओ सेप्टेम्बर सैलरी अपडेट में लेके आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि डीआरडीओ को सेप्टेम्बर का जो डिफेंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एरोनॉटिकल जो डिपार्टमेंट का मैं एक सैलरी स्लिप लेके आया हूँ, जिसका अप टू आपको देखने को मिलेगा 81,000, जो जिसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको चेक कर सकते हो यहाँ पर। अगर अलाउंस उसमें ऐड करते हैं तो 1,00,000 तक आपका सैलरी हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑफिस ऑफ द डीजी एरोनॉटिकल सिस्टम, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक पैन कार्ड का जो है ना पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर दे रखा है, सीरियल नंबर दे रखा है, और यहाँ बताया गया है फ्रेंड्स पे और अलाउंस दोनों दे रखे हुए हैं। आप अच्छे से यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर 1,90,890, ठीक है, यहाँ पर टोटल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है ना पेबिल जो रिकवरी है इसमें 1,11,102 रुपये। तो टोटल नेट पेबल जो है अकाउंट देखिए 89,708 रुपीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका नेट पेबल है ना, तो यहाँ पर अभी देखिए क्या क्या पे मिलते हैं आपको। बेसिक पे मिलते हैं, ग्रेड पे मिलते हैं, जो है ना डीए मिलता है, टीए मिलता है, एफपीए मिलता है, और वॉर इंक्लूड रहता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स और भी कुछ डेटा के ऊपर, जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा गहराई से चर्चा किया था, चलिए उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो है ना जो सैलरी स्लिप का फॉर्मेट होता है कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय नंबर होगा, डिपार्टमेंट प्रोग्राम, बैंक अकाउंट नंबर होगा, पीएफ नंबर होगा, डिजाइनेशन, फिर डेट ऑफ जॉइनिंग कब है, डेट डेज पेड कब है, एलओपी डेज। तो देखिए फ्रेंड्स, अर्निंग और डिडक्शन, तो अर्निंग और डिडक्शन किस प्रकार से है, देखिए अर्निंग आपको किस प्रकार से मिलेंगे। बेसिक जो होगा, बेसिक एचआरए होगा, जिसमें आपको मेडिकल रिइंबर्स मिलेंगे। देखिए मेडिकल पर मंथ आपको मतलब अलाउंस होगा, स्पेशल अलाउंस होगा, अगर स्पेशल अलाउंस उसमें ऐड हुआ तो, कॉन्वेंस अलाउंस होगा, फ्यूल अलाउंस होगा, टेलीफोन अलाउंस होगा, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रंस एडियो अलाउंस, एलटीए होगा, और लॉयल्टी बोनस के लिए भी आपको पैसे मिलेंगे। तो ग्रोस पे होता है अर्निंग में, और नेट पे होता है नेट पे टोटल। तो लीव अकाउंट और लीव टाइप, तो ओपनिंग बैलेंस और लीव टोकन और क्लोजिंग बैलेंस, तो इस प्रकार से आपको तीन बैलेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं टोटल डिडक्शन के ऊपर, तो टोटल डिडक्शन के ऊपर पीएफ काटा जाएगा, आपका पीएफ काटा जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स काटा जाएगा, इनकम टैक्स काटा जाएगा, होम लोन काटा जाएगा, व्हीकल लोन काटा जाएगा, जो पीएफ पर लोन पर मंथ जो लिया था आपने उसके ऊपर कटेगा, लिया नहीं मतलब उसमें से काट लिया जाता है, ठीक है ना। प्रोफेशनल टैक्स होता है वो भी काट लिया जाएगा, इनकम टैक्स होगा पर मंथ उसका भी काट लिया जाएगा, एसएल और ईएल, ठीक है ना। तो ये आपको लीव अकाउंट है, तो यहाँ पर देखिए सिक लीव होता है और एक अर्न लीव होता है, ठीक है। सिक लीव मतलब आप मतलब मान लीजिए एक हफ्ते के लिए, मान लीजिए कोई घर में बीमार है आपको देखने जाना है, तो उसके लिए सिक लीव आप ले सकते हो। और अर्न लीव मतलब उस अर्न लीव मतलब क्या, अगर आप कोई भी ड्यूटी पे जाते हो तो उसका जो अर्निंग होता है उसका भी कुछ पैसा कटता है आपके अंदर अकाउंट से, ठीक है ना। तो वहाँ पर देखिए आपको टोटली बेसिकली मिलता है कितना है, तो बेसिकली मिलता है आपको कम से कम 1,00,000 अगर अलाउंस को ऐड करें तो, ठीक है। बात करते हैं सिर्फ मैंने एक ही सिंपल सा फॉर्मेट बताया है कि एक ही डिपार्टमेंट का मैंने बताया है, और भी तो नहीं बताया है मैंने, और किन किन डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हो 224 पोस्टों के लिए हुई है आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, देखिए जी बिजनेस का एक वेबसाइट है, यहाँ से हम पढ़ते हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर रिक्रूटमेंट 2019 224 वैकेंसीज नोटिफाइड, 7th सीपीसी सैलरी अप टू ₹81,100 अप्लाई वाया drdogovernment.in। तो यहाँ पर देखिए किन किन डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का ये एग्जाम हुआ था, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात डीआरडीओ हैज इश्यूड अ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट्स एंड अदर, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा डीआरडीओ, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसका एग्जाम कंडक्ट किया गया है, 3 से 4 दिन इसके एग्जाम कंडक्ट किए गए थे, जिसमें आपको स्टेनोग्राफर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट्स और हलवाई कम कुक असिस्टेंट। तो लास्ट डेट जो है ना ये सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी गई थी, इसमें मांगे गए थे आपको कम से कम 12 पास होना होगा और इक्विवेलेंट, अगर 12 पास हो तो बहुत ही अच्छी बात है, डिग्री पास हो तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आप अगर 10 पास हो तो क्या इसमें फॉर्म भर सकते हो, जी हाँ फॉर्म भर सकते हो, फॉर द पोस्ट ऑफ व्हीकल ऑपरेटर ए, क्लर्क, कैंटीन मैनेजर ग्रेड 3, फायर इंजन
इंजन ड्राइवर ए एंड फायरमैन द कैंडिडेट शुड बी एट लीस्ट क्लास 10 पास और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आप 10 पास में भी इस फॉर्म को भर सकते हो। देखिए इसमें 27 वर्ष तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़िए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 पे लेवल 4 रुपीज दिस एज पर 7th CPC पे मैट्रिक्स। देखिए मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अभी जितने भी जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसका जो सैलरी है, मान लीजिए मेन मुद्दा होता है कि सैलरी, तो मेन मुद्दा सैलरी के ऊपर होता है। तो मैं बता दूं कि सैलरी के ऊपर डिस्कस हम कराएंगे, आप सिर्फ एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के बाद आपको मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो सैलरी किसके ऊपर बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है फ्रेंड्स, तो ये 7th CPC पे मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए सातवां वेतन जो आरंभ हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसमें आपके जो सैलरी इंक्रीज किए गए हैं। DRDO सितंबर रिक्रूटमेंट 2019 कैसे अप्लाई किया गया था, यहाँ पर देखिए DRDOgovernment.in में जाइए, सारे के सारे एप्लीकेशन फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स इसके बाद आपको जो भी अलाउंस मिलेगा, अभी देखिए मैं धीरे धीरे करके सभी का क्लियर कराऊंगा। स्टोर असिस्टेंट का क्लियर कराऊंगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट एक का क्लियर कराऊंगा, असिस्टेंट हलवाई कम कुक देखिए कम कुक का भी क्लियर कराऊंगा। यहाँ पर देखिए देखिए व्हीकल ऑपरेटर ए का, क्लर्क कैंटीन मैनेजर ग्रेड 3 का, फायर इंजन ड्राइवर ए का और फायरमैन का, सभी का मैं बताऊंगा एक ही करके किस में कितने कितने पैसे प्रोवाइड करता है DRDO। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही DRDO के सेप्टेम्बर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।